Hi, good morning. I have some research. One person question with me, what is row fall? तो उसमें मैंने सिर्फ इतना सा जवाब दिया. मैंने कहा कि और कुरान के हिसाब से देखा जाए तो कोई रूह मिन अमीर होती. तो इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें यह कि एनर्जी होती है इंसान के अंदर. तो जैसे आम बिजली बनती है, टच को वाइब्रेट करते हैं तो बिजली बनती है, तो फिर आगे वो इंसान उस पर सर्वाइव करता है. इसी तरीके से इंसान के अंदर होती है. तो फिर उसने सवाल ये किया कि क्या रूह जो है, जो इंसान के अंदर होती है, वो ज़िंदा रहती है इंसान के आफ्टर डेथ. तो उसमें मैंने जवाब ये दिया था. मैंने कहा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ ताकि पब्लिक को भी हो जाए. इसमें ये है कि याद रखिए कि जिस तरीके से अपने ह्यूमन लाइफ में अगर वो अपनी सोच का दौरानिया जो है वर्ल्ड वाइड रखता है, तो उस मरने के बाद उसकी रूह जो है वर्ल्ड वाइड ज़िंदा रहती है, क्योंकि रूह नहीं मरती. अगर रूह मर जाए तो कुरान पाक का ये हुक्म मर जाएगा, कुल रूह मिन अमरि रब्बी, क्योंकि मिन अमरि रब्बी और रब्बुल इज्जत का हुक्म मर जाएगा अगर रूह का मरना हुआ. तो रूह हमेशा ज़िंदा रहती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है. तो इसमें मैं इतना कहूँगा कि अब दौरानियाँ अलग अलग है. जैसे अपने मैंने जो इसमें एक्स्ट्रा ये किया उसमें कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी में, अगर अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ अपनी 10 लोगों के लिए अगर वो ज़्यादा फिक्र करता रहा है, तो आफ्टर दैट वो 10 लोगों तक उसकी रूह का दौरानिया होगा. अगर वो 10 लाख लोगों तक फिक्र करता रहा है, या वो एस्ट्रोनॉमी के तमाम सैारों तक भी फिक्र करता रहा है, तो उसकी रूह जो है ना हेयर इन दिस प्लानट आफ्टर दिस प्लानट एंड अदर ऑल प्लानट्स एंड गैलेक्सीज ही विल अलाइव ऑलवेज लाइक दैट. ओके, वेलकम विद डेविड एरियल रिसर्चर.